हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। मनमोहन सिंह का मोदी सरकार पर वार, कहा खतरों का सामना कर रहा है देश, ये भारत की अंतरात्मा को करेगा चोटिल। जी हाँ दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश के सामने सामाजिक विद्वेष, आर्थिक सुस्ती और वैश्विक महामारी के आसन्न खतरे का जिक्र करते हुए सरकार से संशोधित नागरिकता कानून वापस लेने या उसमें संशोधन कर राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की सलाह दी है। साथ ही मनमोहन सिंह ने सरकार को सभी ऊर्जा कोविड-19 को रोकने में रोक लगाने, इससे निपटने के लिए पर्याप्त तैयारी करने तथा उपभोग मांग को बढ़ावा देने के लिए एक विस्तृत एवं कुशल वित्तीय प्रोत्साहन योजना लाने और अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने की भी सलाह दी है। पूर्व प्रधानमंत्री ने सरकार को चेतावनी भी दी और कहा कि ये खतरे संयुक्त रूप से न सिर्फ भारत की आत्मा को चोट पहुंचाएंगे बल्कि देश की वैश्विक छवि को भी नुकसान पहुंचाएंगे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया भरोसा, कहा नहीं डूबेगा यस बैंक के ग्राहकों का पैसा। जी हाँ दोस्तों, यस बैंक के ग्राहकों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भरोसा दिया है कि किसी भी ग्राहक का पैसा नहीं डूबेगा। दोस्तों वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि SBI यस बैंक में निवेश कर रहा है और हर एक ग्राहक के हित का सम्मान करेगा, उनको नुकसान नहीं होने देंगे। ऐसा भी बताया जा रहा है दोस्तों कि यस बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों की अगले एक साल तक की सैलरी पर कोई असर नहीं होगा। दोस्तों वित्त मंत्री ने RBI को कहा है कि किस से चूक हुई, किसने फैसले लेने में कोताही बरती है, ये जांच करके बताओ बैंक की हालत ऐसी कैसे हो गई। इस पर निर्मला सीतारमण ने बताया कि यह कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मुद्दा है, लोन देने में सावधानी नहीं रखी गई, रिस्की लोन दिए गए, इनसाइडर ट्रेडिंग हुई, जब CBI जांच हुई तभी सच सामने आया, इसलिए RBI 2018 से ही यस बैंक पर फाइन लगाना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बदलना, नए CEO लाना जैसे कदम उठा रहा था, लेकिन इस जनवरी में तय हो गया था कि बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। वोडाफोन के CEO ने कहा भारत में एक नई और अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, वोडाफोन के वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO निक रीड ने सरकार से कहा है कि कंपनी भारत में एक नई और अच्छी शुरुआत करना चाहती है। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। रीड ने शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद से मुलाकात कर वोडाफोन आइडिया को बाजार में कायम रखने के लिए सरकार से सहायता मांगी है। दोस्तों सूत्रों ने कहा है कि बैठक के दौरान प्रसाद ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार दूरसंचार क्षेत्र में एकाधिकार के खिलाफ है। सरकार चाहती है कि वोडाफोन आइडिया बाजार में बनी रहे और निवेश करती रहे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। महिला से कॉफी डिनर के लिए पूछा या फिर की खूबसूरती की तारीफ तो सीधे जाएंगे जेल। जी हां दोस्तों, महिलाओं की खूबसूरती की तारीफ करना और उन्हें कॉफी की दावत देना अब अरब देशों में पुरुषों को भारी पड़ सकता है। यहां महिलाओं से फ्लर्ट करना, उनकी तारीफ करना या कॉफी की दावत देना जेल भी पहुंचा सकती है। जी हां दोस्तों, खलीज टाइम्स में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर किसी कंपनी में महिला के साथ काम कर रहा सहयोगी कर्मचारी या अधिकारी जरूरत से ज्यादा तारीफ करे, कॉफी या डिनर पर ले जाने की पेशकश करे तो इसे फ्लर्ट के दायरे में रखा जाएगा। अरब के नए कानून के मुताबिक फ्लर्ट करना अपराध है और इसके लिए उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी हरभजन सिंह ने चुनी अपनी ऑल टाइम टेस्ट टीम, तीन भारतीय शामिल लेकिन विराट कोहली को नहीं मिली जगह। जी हां दोस्तों, भारत के दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने अपनी ऑल टाइम टेस्ट 11 का चुनाव किया है। इस टीम में उन्होंने तीन भारतीय खिलाड़ियों सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ को शामिल किया है, लेकिन मॉडर्न ग्रेट कहे जाने वाले विराट कोहली को इस टीम में भज्जी ने जगह नहीं दी है। दोस्तों हरभजन सिंह ने SPN क्रिक इन्फो को दिए इंटरव्यू के दौरान इस टीम का खुलासा किया। दोस्तों इस टीम में चुने गए खिलाड़ी इस तरीके से हैं, वीरेंद्र सहवाग, मैथ्यू हेंडन ओपनिंग करेंगे, इसके बाद में वन डाउन पर आएंगे राहुल द्रविड़, उसके बाद सचिन तेंदुलकर, जैक कालिस, रिकी पोंटिंग को कप्तान बनाया गया है, कुमार संगकारा विकेट कीपर है और शान पोलक, शेन वार्न एकमात्र स्पिनर है और तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी वसीम अकरम और ग्लेन मैकग्रा के हाथों में है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान में सत्ता हथिया सकता है तालिबान।
जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका के अफगानिस्तान से जाने के बाद तालिबान अफगान सरकार को दरकिनार कर संभवतः सत्ता पर कब्जा कर सकता है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देशों को अपना ध्यान खुद रखना होगा, आप किसी का हाथ इतने लंबे समय के लिए नहीं पकड़ सकते। यह पूछे जाने पर कि क्या तालिबान सत्ता हटा सकता है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस तरह से होने की संभावना है। हम वहां अगले 20 साल नहीं रह सकते, हम वहां 20 साल से हैं और देश की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन हम वहां ज्यादा समय तक नहीं रह सकते, अतः उन्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। इसके बाद दोस्तों, रुख करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। ICICI बैंक की पूर्व MD चिंता गोचर को लगा एक और झटका, हाईकोर्ट ने इस अहम अपील को कर दिया खारिज। जी हां दोस्तों, ICICI बैंक की पूर्व MD और CEO चिंता गोचर की मुश्किलें और बढ़ सकती है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को उनकी एक और याचिका को खारिज कर दिया। दोस्तों, परेशानी का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि न्यायाधीशों ने चिंता गोचर की याचिका को सुनने योग्य भी नहीं समझा। दोस्तों, पूर्व MD और CEO चिंता गोचर ने अपनी नौकरी से निकाले जाने के निर्णय को चुनौती देते हुए 30 नवंबर 2019 को बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोचर के वकील विक्रम नगनानी ने दलील दी थी कि बैंक ने कोचर के स्वैच्छिक इस्तीफे को 5 अक्टूबर 2018 को स्वीकार कर लिया था, इसके बाद में उन्हें नौकरी से निकाला जाना अवैध है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ICICI बैंक की पूर्व MD चिंता कोचर पर भ्रष्टाचार के कई सारे मामले दर्ज हैं। इसके बाद दोस्तों, रुख करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। आपकी जेब में रखा नोट है खतरनाक, ला सकता है जान पर आफत। जी हां दोस्तों, अभी फैल रहा महामारी वायरस जो कि 1 मिलीमीटर का 10,000वां या फिर उससे भी छोटा हिस्सा हो, ये अब तक दुनिया में 3,000 से अधिक जाने ले चुका है और कुछ ही दिनों में इसने दुनिया को अरबों डॉलर का नुकसान भी पहुंचा दिया है। दोस्तों, पिछले एक महीने से शहर बंद है, लगभग 7 करोड़ लोग अपने घरों के भीतर कैद है, यातायात सेवाएं बंद है, लोगों के घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी है। वहीं WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अब रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होने वाले करेंसी नोटों को लेकर भी सावधानी बरतने के लिए कहा है। दोस्तों, WHO की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि चीन और कोरिया से मिली जानकारी के आधार पर बैंक से निकलने वाले नोटों से भी कोरोना वायरस फैल सकता है। कोई संक्रमित व्यक्ति अगर कोई नोट दूसरे को देता है तो बहुत संभावना है कि इससे संक्रमण फैल जाए। एक बैंकर के अनुसार, नोट जिस मटेरियल से बना है उसमें वायरस और बैक्टीरिया ट्रांसफर करने की पूरी संभावना होती है, इसलिए आम लोगों को एक दूसरे से नकदी लेन देन से बचना चाहिए। दोस्तों, हाल ही में हुए रिसर्च में ऐसे कई सारे खुलासे हुए जिनमें इनसे होने वाली गंभीर बीमारियों का जिक्र किया गया है। करेंसी नोटों से कई तरह की गंभीर बीमारी होने का खतरा बढ़ सकता है, इसमें TB, अल्सर, तपेदिक और डिस्ट्रेंसी जैसी गंभीर बीमारियां शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों, रुख करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। बैंकों में है हड़ताल, इस महीने कर्मचारी फिर करेंगे हड़ताल। जी हां दोस्तों, सरकारी बैंक मार्च में फिर हड़ताल करने की तैयारी में है। बैंकिंग क्षेत्र की दो प्रमुख यूनियनें अखिल भारतीय बैंकिंग कर्मचारी संघ AIBEA और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन AIBOA 27 मार्च को बैंकों के महाविलय के विरोध में हड़ताल पर जाएंगी। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 बैंकों का विलय कर 4 बैंक बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसका बैंक कर्मी विरोध कर रहे हैं। इससे पहले बैंक यूनियनों ने 11 मार्च से प्रस्तावित 3 दिवसीय हड़ताल को वापस ले लिया था और अब इस हड़ताल की तारीख 27 मार्च तय की गई है। यानी कि दोस्तों, अगर इन तारीखों के बीच में आपका कोई काम है तो उसे पहले ही निपटा लें। इसके बाद दोस्तों, रुख करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। 26 दवाओं और औषधि सामग्री के एक्सपोर्ट पर लगा प्रतिबंध, लागू किया नया नियम। जी हां दोस्तों, सरकार ने 26 तरह की दवा सामग्री और पैरासिटामोल, विटामिन B1 और B12 सहित कुल दवाओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार के इस कदम के बाद अब कुछ सक्रिय औषधि सामग्री और फार्मुलेशंस के निर्यात के लिए वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय से लाइसेंस लेने की जरूरत होगी। अब तक इन दवा सामग्रियों के निर्यात पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं था। दोस्तों, DGFT ने एक अधिसूचना में कहा कि API से तैयार कुछ खास तरह के API और फार्मुलेशंस का निर्यात तुरंत प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। PTI की खबर के मुताबिक यह प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेगा। दोस्तों, API विभिन्न प्रकार की दवाओं के निर्माण में कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, यह थे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर
आ चुका है। भारत के किस राज्य में शराब यानी कि मदिरा बैन है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस राज्य का नाम जहां पर कि भारत में अल्कोहल बैन है तो जल्दी से उस राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद।